हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जैसवल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमारे 10th स्टैंडर्ड का जो न्यू बैच चल रहा था, कंटिन्यूस हम लोग वहां पे आपके लिए लेक्चर्स वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। अब एक चीज और है कि बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर अच्छी तरीके से पढ़ाई में मन हमारा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो अब ये जो समय है ना, इसमें अगर आपका मन जो है कहीं डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो यार आपका ना बोर्ड एग्जाम फिर अच्छा नहीं जाएगा। ये सोच लेना, आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये ज्यादा दूर नहीं। आप इमेजिन करो यार, नवंबर का मिडल चल रहा है, नवंबर खत्म हो जाएगा कुछ ही दिन के अंदर, दिसंबर है, जनवरी और फरवरी खत्म हो जाएगा, फिर मार्च से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखोगे तो टाइम बहुत कम है, तो जितना हो सके पढ़ाई करते रहो। वैसे हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है 10th स्टैंडर्ड का। आप जो भी चैप्टर जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप सर्च करो, आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। और नया बैच भी कंटिन्यूस चल रहा है। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन लेक्चर्स भी आ जाएंगे। एलएमआर सीरीज जो हमने लास्ट मोमेंट पे निकाला था, आपको याद है, लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज, ये सब सीरीज आएंगे। तो जितना हो सके पढ़ते रहो। साथ में यार इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, लिंक डालते हैं यूट्यूब वीडियोस के, उसके अलावा कुछ और अपडेट्स डालते हैं, कुछ यहाँ पे आपके लिए सवाल होते हैं, कुछ पीडीएफ्स होते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। और लास्ट में रिवीजन के टाइम में तो बहुत जरूरी होने वाला है। तो ये दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर से ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम भी और टेलीग्राम भी, ठीक है। अब देखो हमारा क्या चल रहा था, 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग चल रहा था। इसका आज लाया हूं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 4.2 जो हमने स्टार्ट किया था, इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा पूछा हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे, क्योंकि इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व किया था। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज चले जाइए, लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, मलिक गैस एजेंसी है जो कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, आपको पता है यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होता है और यूनियन टेरिटरी अलग होता है, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है। परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ 24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। मतलब जीएसटी का रेट यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले दो चीज हमारे दिमाग में आता है, कोई भी चीज, मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज क्या होता है कि जब कोई भी एजेंसी, जब वो क्या करता है, गैस सिलेंडर क्या किया उसने, परचेस किया, मतलब खरीद के लाया, तो उसको क्या देना पड़ता है, इनपुट टैक्स देना पड़ता है। और जब वो बेचता है तो उसको आउटपुट टैक्स देना पड़ता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप 24,500 आप देखोगे तो ये क्या है, उसके लिए इनपुट टैक्स है, ठीक है। इनपुट टैक्स जो है वो कितना है दोस्तों, 24,500। लेकिन 24,500 पे 5% जीएसटी लगेगा ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे 5%, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो की है 24,500, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 245 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, करके देखो 245 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, ठीक है, 22 का 2 कैरी, ठीक है, फिर 5 2 जा 10 11 12, तो 1225 हो गया, ठीक है। मतलब 245 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इनपुट टैक्स मिल गया आपको, ठीक है। तो ये आ गया इतना रुपीस, ये हो गया आपका इनपुट टैक्स, क्लियर है। अब ऐसे निकालूंगा मैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जब कोई भी दुकानदार कोई चीज बेचता है कस्टमर को तो वो आउटपुट टैक्स देता है, ठीक है। आउटपुट टैक्स कितना है उसने लिया देखो, एंड सोल्ड देम द लोकल कस्टमर्स फॉर 26,500, 5% जीएसटी के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 5% जीएसटी, मतलब 5/100 इंटू ये वैल्यू कितना है 26,500, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, एक और चीज जो मैंने नहीं लिखा वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्या, इनपुट टैक्स आपने निकाल लिया, इसका मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना आ जाएगा 1225 रुपया, ये भी आ गया आपका आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको मिल गया है। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकाल रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लो फटाफट से, कितना हो जाएगा आउटपुट टैक्स, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा 265 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 3 कैरी एंड 5 2 जा 10 11 12 13, तो 1325 रुपया ये क्या आ गया आपके लिए आउटपुट टैक्स आ गया, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स निकल गया, इनपुट टैक्स निकल गया, आईटीसी आपको पता है। आप जीएसटी पेबल निकाल सकते हो, टोटल जीएसटी कितना होगा, जीएसटी पेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जीएसटी पेबल इज नथिंग बट व्हाट, क्या होता है, आउटपुट टैक्स जो होता है, ओपी टैक्स में लिख रहा हूं शॉर्टकट तरीके से, ओपी टैक्स माइनस आईटीसी, ठीक है। ओपी टैक्स माइनस क्या होता है, आईटीसी, ध्यान दो यहां पे। अब देखो आउटपुट टैक्स है क्या, आउटपुट टैक्स क्या है, मेरे पास वैल्यू निकाला है ऑलरेडी मैंने, कितना निकाला हुआ है 1325, और मेरा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 1225, ये मैंने निकाला हुआ है। कितना आ रहा है दोस्तों, 1325 में से 1225 माइनस करो, कितना बचेगा 100 बचेगा, यानी कि जो मेरा टोटल जीएसटी पेएबल आया, जीएसटी पेएबल हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया दोस्तों, 1325 में से 1225 माइनस कर लो, कितना बच रहा है 100 रुपया। ये आ गया हमारा जीएसटी पेएबल। तो हमने ये एक वैल्यू जो है वो निकाल दिया कि जीएसटी पेएबल का वैल्यू कितना आ गया 100 रुपया। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कहां गया, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड। तो जीएसटी हमने निकाल दिया, लेकिन साथ ही में पूछा हुआ है कि यूटी जीएसटी और एसजीएसटी जो है वो हमको निकालना है। मतलब इन शॉर्ट हमें जो सीजीएसटी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल जीएसटी जो होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और यहां पे स्टेट नहीं है तो इसके लिए एसजीएसटी नहीं आएगा, यूटी जीएसटी आएगा। यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी लेना है, बस कोई फर्क नहीं है, सेम रहेगा। तो हमारा चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, लेकिन यहां पे हमारा एसजीएसटी नहीं है, उसके जगह पे क्या है, एसजीएसटी की जगह पे हमारा है यूटी जीएसटी। तो हम लोग लिखेंगे यूटी जीएसटी। ये दोनों का ही वैल्यू सेम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम होता है, वैसे ही यूटी जीएसटी और सीजीएसटी भी सेम होगा। तो वो कितना होता है, टोटल जीएसटी पेबल जो होता है उसको डिवाइड बाय 2 करके। तो कितना है हमारे पास टोटल जीएसटी, 100 रुपया है, तो 100 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आपका आंसर आ गया 50 रुपीज। तो ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया किसका, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी का। मतलब टोटल जीएसटी भी आपने निकाल लिया जो 100 आ रहा था, 100 रुपया आ रहा था, और आपने सीजीएसटी और यूटी जीएसटी का वैल्यू भी निकाल दिया जो 50 रुपीज आ रहा था। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको, देखो कितना सिंपल एग्जांपल है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल हो ही नहीं सकता। करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, अच्छे से मार्क्स लिख कर आओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, या फिर नोट डाउन कर लेना नोटबुक में बाद में। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में 18% भर रहा है ऑन कॉस्मेटिक, वर्थ 6000 रुपया। 6000 उसका वर्थ है, मतलब वो उसका इनपुट हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, उसने कहीं से खरीद के लाया होगा ना 6000 में, तभी तो 6000 वर्थ है उसका, तो वो हो गया इनपुट। एंड सोल्ड कस्टमर फॉर 10,000, बेचा मतलब वो हो गया आउटपुट। ठीक है, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमें सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे निकलेगा, अगर हमें जीएसटी पता है तो हमें जीएसटी पेबल निकालना है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले दो चीज है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इनपुट टैक्स निकाल लो। तो इनपुट टैक्स कितना है, अगर आप देखोगे 18% लग रहा है, लेकिन इनपुट कितना है 6000, तो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6000, 2020 कैंसल, 18 6 कितना होता है, 18 6 करके देखो यार, मैं भी भूल गया 18 का टेबल। ठीक है, 18 3 54 होता है ना, 54 का डबल 108। ठीक है, 1080। तो आपका इनपुट जो टैक्स आएगा कितना हो जाएगा, 8 6 48, 4 कैरी 6 1 6, 7 8 9 10, 108 और 80, 1080 रुपया। ये क्या आ गया आपके लिए, इनपुट टैक्स आ गया। ठीक है, वैसे आप निकालोगे आईटीसी, इनपुट टैक्स निकल गया तो आईटीसी भी मिल जाएगा, सेम वही रहेगा, दैट इज 1080 रुपीज। ये आ गया आपके लिए आईटीसी आपने निकाल लिया। करेक्ट है, उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, आउटपुट टैक्स। तो देखो आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा, आउटपुट टैक्स इज नथिंग बट व्हाट, कितना टक्का लग रहा है, 18% लग रहा है, कितने में बेचा, सोल्ड कितने में किया, कितने में बेच रहा है 10,000 में, तो 18/100 × 10,000। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां पे 20 कैंसल, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 1800। तो आउट का आउटपुट टैक्स यहां से आ गया, क्या आ गया, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 1800 रुपया। यह आ गया आपका आउटपुट टैक्स। करेक्ट है, अब क्या निकालना है हम लोग को, जीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना है, लेकिन उसके पहले मैं निकालूंगा जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओपी टैक्स, यानी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा जो होता है वो यही होता है। करेक्ट है, अब यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या है मेरा आउटपुट टैक्स 1800 रुपया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आया हम लोग का 1080 रुपीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1080 रुपीज आ रहा है, बराबर है कि नहीं। करेक्ट है यहां तक, ठीक है। अब जीएसटी पेबल देखो, जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा, टोटल जीएसटी कितना आ जाएगा हम लोग का, इसमें 1800 में से 1080 माइनस होगा, तो यहां पे आएगा 800 में कितना कम, 20 कम, मतलब 700, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, एक बार चेक कर लो आप लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। ठीक है, बराबर है, ठीक है बराबर है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। तो जीएसटी कितना बच रहा है, 720 बच रहा है, ये बराबर है ना आप लोग का, 1800 माइनस 1080 कितना आता है, 720 रुपया। तो जीएसटी पेबल कितना आ गया, 720 रुपया। ये आपका एक वैल्यू आ गया जीएसटी पेबल। अब हमको निकालना है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो वो कितना होगा, टोटल जीएसटी का डिवाइड बाय 2 होगा, दैट इज 720 डिवाइड बाय 2, यानी कि 360 रुपीज आ गया, 360 रुपीज। करेक्ट है, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। कुछ है ही नहीं यार एग्जाम्पल में, बस आपका वही चीज है इनपुट टैक्स क्या होता है खरीदने के टाइम, आउटपुट बेचने के टाइम, उसका जो भी जीएसटी अगर दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जीएसटी का, उसके हिसाब से आउटपुट इनपुट निकाल लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल लो, फिर जीएसटी पेबल निकाल लो, फिर जीएसटी पेबल एक बार निकल गया, सीजीएसटी एसजीएसटी चाहे यूटी जीएसटी पूछा है डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा आपका आंसर, खत्म कहानी। बस यही प्रोसीजर है, सबके लिए वही होता है। करेक्ट, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, इसके पहले जो मैंने आपको डिस्प्ले किया वो एक सैंपल है, वो मैं क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से देखना जो मैं चीज बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है, जो अभी मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश भी करना। देखो एक क्वेश्चन पूछा है हम लोग को कि प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C मॉडल, आपको पढ़ाया था मैंने B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C मॉडल होता है, ठीक है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर। हमें एक टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना है, ठीक है, क्या होता है टैक्स इनवॉइस बताता हूं। राइट द नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, चॉइस सप्लायर, उसका कंपनी का नाम, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी, ये सब पर्टिकुलर से। रेट ऑफ मोबाइल बैटरी 200 रुपया है, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा, उसका HSN 85047 कोड है, एक पीस है, वैसे हेडफोन का दिया हुआ है। इस प्रकार से चीजें दी हुई है आपको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं अगर ये चैप्टर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल तक ये चैप्टर नहीं था, पिछले 2 साल से कोविड के टाइम पे ये चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग को स्किप किया था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा स्टार मार्क करता हूं, ये आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको सॉल्व करना क्या है, इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इसको एक टेबल बनाना होता है, बहुत सिंपल होता है। कैसे मैं बताता हूं यहाँ पे टेबल कैसे बनाना है आपको। अब एक चीज समझो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने जब मैंने ये चैप्टर जब शुरुआत की थी पढ़ाना उसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। उसके पहले एक टॉपिक था जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। तो इस प्रकार से टैक्स इनवॉइस होता है, ये एक सैंपल है जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देखोगे पेज नंबर कुछ 80-85 पे कुछ होगा, देख लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन वो आप देख लेना, लगभग वो फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर जब ओपन करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये सैंपल वहीं से मैंने लिया हुआ है, एक सैंपल दिया। तो इसी प्रकार से हम लोग को क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है, सेम ऐसे ही एक टेबल बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्टेंट्स रहेंगे ना वो अलग रहेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, पेड़ा, चॉकलेट, आइसक्रीम, वो उनका है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है, हेडफोन दिया है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्रिएट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से टेबल, क्योंकि इनवॉइस तो ऐसे ही दिखेगा, तो एक टेबल बनाना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस। तो अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें तो आएगा नहीं टेबल, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, और इसमें हम लोग बनाते हैं एक मस्त बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट मुलायम टेबल, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। अब देखो मुलायम टेबल बनाते हैं हम लोग। कलर कौन सा लो बताओ, ब्लू ले लेता हूँ, चलो। और मैंने ले लिया यहाँ पे रेक्टेंगल, तो यहाँ से लेके मस्त एक इतना बड़ा, मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज़। फिर आप देखो कैसा होना चाहिए, एक ऐसा सीधा एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो एक सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच दो उसके अंदर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, यहाँ से दिख रहा है, इस प्रकार से बनाना। देखो कुछ नहीं है, आप लोग भी बना सकते हो, बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट भी दिखा सकता था लेकिन मैंने सोचा आपको बना के दिखा दूं। करेक्ट है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, उसके बाद आपको एक थोड़ा सा गैप देके एक और लाइन खींचना है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इतना गैप देके एक और लाइन खींचना है और उसके बाद कॉलम्स बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक और गैप देके ना थोड़ा अच्छा सा गैप देते हैं, इतना गैप काफी रहेगा, मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा और करेंगे, चलो थोड़ा और गैप दे देते हैं यहाँ पे, इतना गैप काफी रहेगा। ये गैप देके हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना क्या है, पहले वो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग को दिया हुआ है, ऊपर हम लोग को लिखना है टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैक्स इनवॉइस, ऑफ गुड्स परचेस, ये हमने लिख दिया। यह आ जाएगा टॉप पे, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस, मतलब ये एक इनवॉइस है। इनवॉइस मतलब क्या होता है, एक तरीके का बिल होता है जिसमें हम लोग पूरा डिटेल लिखा होता है कि कितना का प्रोडक्ट है, कितना उसमें जीएसटी लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, ये सब कितना लग रहा है, वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। टॉप पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे टॉप पे क्या लिखना होता है, देखो ये सब ये रेफरेंस है, देखो सप्लायर, कुछ नाम लिखना होता है, तो जो आपको नाम लिखना है वो आप लिख दो, XYZ कुछ भी आपको लिखना है तो लिख दो। तो समझ लो कि एक सप्लायर है, उसका नाम मैं लिखता हूं। अब देखो वो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या दिया, बैटरी और हेडफोन, तो हम लोग एक मोबाइल शॉप का नाम दे देंगे, जो भी आपको देना है। तो हम लोग यहाँ पे टॉप पे क्या लिखेंगे, सप्लायर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे सप्लायर, और सप्लायर के सामने उस पर्टिकुलर जगह का नाम लिखेंगे। तो समझ लो कि मेरा वो जो मोबाइल शॉप है उसका नाम है JR मोबाइल सेंटर, ठीक है, जे आर मोबाइल सेंटर। चलो मेरा हैंडराइटिंग नहीं निकला बराबर, अच्छे से निकल रहा नहीं, पता नहीं क्या हो गया, अच्छे से हो नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। जे आर मोबाइल सेंटर मैंने नाम रख दिया अपने शॉप का, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दो। चलो मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ, यार अपना एड्रेस लिखूंगा तो आप लोग मेरे घर पे आ जाओगे ठीक है, मैं एड्रेस नहीं लिखूंगा, चलो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। लेट सपोज XYZ अपार्टमेंट, अपार्टमेंट नहीं यार ये तो ये है ना कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, XYZ बिल्डिंग, ठीक है, सेक्टर 1, इस प्रकार से आप उसका जो एड्रेस है वो जो है वो लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्टर 1 मुंबई 400075, इस प्रकार से जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। गलत भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे उसका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1234567891, ये समझ लो मोबाइल नंबर है उसका। और यहाँ पे ईमेल भी लिखना होता है, ईमेल आपको लिख दो यहाँ पे। जैसे हम लोग अपना ईमेल लिखेंगे, क्या है ईमेल, contact@jr01, ठीक है, @gmail.com, ये हमारा ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था फीडबैक वीडियो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, आपको हमारे से पढ़ के कैसा लगता है, 1 मिनट के अंदर छोटा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। मैंने बहुत बार भेजा है, और जे आर शॉर्ट्स के ऊपर मैंने, जिन्होंने भेजा था मेरे को, मैंने जे आर शॉर्ट्स पे डाला है उनका वीडियो, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये लिखने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, सप्लायर मैंने लिख लिया है, ठीक है, उसके बाद हमने ये सभी चीज लिख दिया है ना। अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड क्या लिखना है, जीएसटी नंबर लिखना है। आपको क्या लिखना है दोस्तों, सप्लायर के बाद आपको क्या लिखना है, जीएसटी नंबर, करेक्ट है, जीएसटी नंबर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो GSTIN, ठीक है। लगभग कितना, 15 डिजिट का होता है, हम महाराष्ट्र में है तो सबसे पहले 27 आएगा, उसके बाद कोई 10 डिजिट का पैन होता है, ABCDEF 1 2 3, उसके बाद क्या लिखता है हम लोग, एक Z जरूर आता है, और लास्ट में कुछ नंबर हो जाएगा 5, लेट्स सपोज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और कम पड़ रहा है ना थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 1 Z 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया यार, Z 5, चलो ये हो गया। 15 डिजिट का होना चाहिए जीएसटीआईएन नंबर। देखो जीएसटी नंबर जिसके पास होगा, जो ट्रेडर होता है उनके पास होता है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख देना जीएसटी नंबर, लेकिन 27 कोड लास्ट में इधर Z और 5 ये मैंडेटरी है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जीएसटीआईएन हो गया। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जीएसटी नंबर भी आपने लिख दिया, इस प्रकार का जीएसटी नंबर होता है, और एक इनवॉइस डेट होता है, तो उसके नीचे आप लिख दो इनवॉइस डेट, ठीक है। क्या लिखोगे, इनवॉइस डेट लिखोगे। यहाँ पे जगह कम हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवॉइस डेट। यहाँ पे आपका इनवॉइस डेट आ गया, कितना तारीख है समझ लो, आज है 14 नवंबर 2022, इस प्रकार से आप डेट लिख दो, ये डेट हो गया। अब क्या लिखना है आपको, डेट लिखने के बाद आपको क्या जाना है, यहाँ पे देखो इस प्रकार का सैंपल है हमारे पास। डेट लिखने के बाद आपको अपना कॉलम्स बनाना है, तो HSN कोड आपको दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, रेट लिखना है, क्वांटिटी लिखना है, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो सब लिखना है, ये सब चीजें लिखनी है, CGST, SGST और टोटल लिखना है। सेम वही चीज हम लोग लिखेंगे। कितने कॉलम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो रहे टोटल। तो हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे दोस्तों, हम लोग बनाएंगे यहाँ पे भी 9 कॉलम, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, 9 कॉलम को बनाते हैं, करेक्ट, 9 कॉलम। पहले तो सीरियल नंबर आएगा, पतला सा, एकदम पतला सा सीरियल नंबर हमने बना दिया, उसके बाद 9 कॉलम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वो क्या आएगा, दैट इज HSN कोड, ठीक है। HSN कोड के लिए थोड़ा सा इस साइड से बना देते हैं, उसके बाद एक और बना लो नेम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद रेट ले लो, रेट और क्वांटिटी। तो रेट के लिए थोड़ा पतला बना दूंगा, चलेगा। उसके बाद क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है, क्वांटिटी। उसके बाद रेट और क्वांटिटी के बाद हम लोग बना सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट के लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं वहाँ पे CGST और SGST का कॉलम, ठीक है, ये हो जाएगा CGST के लिए कॉलम, ठीक है, ये हो जाएगा SGST के लिए कॉलम, समझ में आ रहा है। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे टोटल के लिए कॉलम, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम बन गया, बहुत सिंपल है। अब इसमें भी एक लाइन खींचना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे भी एक लाइन आएगा ना, देखो सॉरी स्केल ले लो, यहाँ पे भी एक लाइन इस प्रकार से खींचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। देखो बहुत सिंपल होता है, आपको बस फॉर्मेट याद कर लेना। देखो ये चीज भी मैं आपको देख के ही बता रहा हूँ, ये चीज जो है ना ये ड्रॉ करना मैं एक रेफरेंस से देख के ही बता रहा हूं, बस आपको अंदर क्या लिखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाने का जो फॉर्मेट है वो तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कभी आता है B2C वाला तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और मुझे लगता है यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज कर दे, अदरवाइज यही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है सबसे पहले वो लिख लो। इसमें हम लोग को क्या लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिख देना। दूसरे कॉलम में हम लोग को क्या लिखना है, HSN कोड, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, SHN कोड दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे क्या लिखना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें आप क्या लिखोगे, उसका रेट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद उसका रेट लिखोगे, रेट के बाद उसका क्वांटिटी कितना है वो लिखोगे, क्वांटिटी कितना पीसेस आ गया उसके अंदर। क्वांटिटी के बाद आपको क्या लिखना है, टैक्सेबल अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है, टैक्सेबल अमाउंट। ये सभी चीज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, टेंशन मत लेना। टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा छोटा हो गया ना, थोड़ा और इसको मैं टैक्सेबल अमाउंट, दिख रहा है आपको, क्लियर ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद आपको लिखना है SGST, टैक्सेबल अमाउंट के बाद उसके बाद आपको लिखना है CGST और SGST। तो ये हो जाएगा CGST, ये हो जाएगा SGST, और लास्ट में लिखना है टोटल। लास्ट में क्या लिखना है, टोटल लिखना है। समझ में आ रहा है। और ये जो CGST और SGST है दोस्तों, इसमें भी आपको रेट और टैक्स लिखना है। इसमें भी आपको क्या लिखना है, रेट और टैक्स। तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूं ना, एक चीज करता हूं, इसको मैं यहां से निकालता हूं, ठीक है, और यहां पे ना एक एक्स्ट्रा लाइन खींचता हूं यहां पे और यहां पे, और इधर पे आपको लिखना है रेट और टैक्स, और यहां पे भी रेट और टैक्स। ठीक है, और इसको मैं यहां से करता हूं क्लोज। ठीक है, और ये पूरा जो है इसको मैं यहां से करता हूं क्लोज। सॉरी, कहां से करना पड़ेगा, यहां से। यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग 1 by 1 लिखेंगे, जो हमें लिखना है इसके अंदर, जो हमें लिखना है वो हम 1 by 1 लिखेंगे। देखो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में जाते हैं वापस से, ये हमारा क्वेश्चन है, आ रहा है कि नहीं। देखो मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जो हम लोग पढ़ा रही है वाला, क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल प्लानिंग में ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके पूरा देख सकते हो, पूरा 4.1 4.2 4.3 4.4 कराया, लेकिन ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं पढ़ाया था लास्ट टाइम। कोई बात नहीं, आज समझ लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखो जैसे मैंने बोला, क्या बोल रहा है, इसमें बैटरी और हेडफोन दिया हुआ है, इसमें HSN नंबर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख दो यहाँ पे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है HSN कोड, कितना दिया हुआ है, पहला एक यहाँ पे डालता हूं मैं, नंबर 1 सीरियल नंबर 1, यहाँ पे HSN कोड क्या दिया हुआ है उस चीज का। देखो यहाँ पे HSN 8507 हम लोग को दिया हुआ है, करेक्ट है कि नहीं। HSN 8507 हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, इससे लिखो क्या, हाँ ठीक है, HSN 8507 ये दिया हुआ है, हम लोग को लिख दिया 8507। ओके, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट का नेम क्या है, मोबाइल बैटरी है ना, देखो ये क्या है, मोबाइल बैटरी है, 200 रुपया उसका रेट है। ठीक है, तो लिख दो यहां पे मोबाइल बैटरी, ये आपने लिख दिया मोबाइल बैटरी। रेट कितना दिया हुआ है, देखो रेट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 200 रुपया, और रेट ऑफ GST 12%। ठीक है, तो यहां पे रेट कितना दिया हुआ है 200 रुपया। ठीक है, क्वांटिटी कितना है, एक ही पीस है, क्वांटिटी कितना है, एक पीस है, तो आप लिख दो एक पीस। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट जितना है उतना रहेगा, दैट इज 200 रुपया, ये उसका क्या है टैक्सेबल अमाउंट है, रेट जितना रहेगा उतना रहेगा। यहां पे उसने कितना परसेंटेज लगाया, मुझे एक बात बताओ, यहां पे 12% GST है, तो मुझे एक बात बताओ 12% GST है तो SGST कितना होगा, 6% होगा, और SGST कितना होगा 6%, दोनों को आधा आधा दे दिया। ऑब्वियसली ना टोटल GST का आधा CGST होता है, आधा SGST होता है, दोनों को 6% दे दिया, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा मुझे एक बताओ, 6%, 200 रुपए का 6% कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो फॉर, यहां पे देखो इसके लिए जगह छोड़ के रखा था, हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो फॉर मोबाइल बैटरी, फॉर मोबाइल बैटरी CGST जो होगा वो बराबर होगा SGST के, जो कि होगा 6% ऑफ, किसका 6% होगा 200 रुपए का। ठीक है, यानी कि 6/100 × 200, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 6 2 हो जाएगा 12, तो 12 रुपया जो होगा वो उसका कितना होगा टैक्स होगा, तो 12 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, SGST भी 12 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो। तो 200 रेट था, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है 200 रुपया है, तो 200 रुपया प्लस ये 12, 212, और ये प्लस 12 224, तो टोटल कितना हो गया 224 रुपया। समझ में आ गया दोस्तों। ये हो गया टोटल 224 रुपया। यहां से एक लाइन खींच दो, ये हो गया पहला। समझ में आ रहा है? ये आपने कर दिया पहला, क्लियर है। अब जैसे ये किया वैसे दूसरा प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। देखो दूसरा प्रोडक्ट कितना है, हेडफोन का, ये सब दिया हुआ है, वो लिख दो बस और कुछ नहीं है। सेकंड नंबर डाल दो, कितना कोड है, HSN। कौन सा कोड है देखो, HSN कहां दिया हुआ है, 8518, HSN 8518 दिया हुआ है। क्या है दोस्तों उसका नाम, हेडफोन्स। देखो क्या दिया है उसका, हेडफोन दिया है। नाम इसका क्या है, हेडफोन्स, हेडफोन नाम है इसका। कितना रेट लगाया है देखो, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 750 रुपया, ठीक है। इसका 18% GST है, याद रखो, ठीक है। 750 रुपया उसका रेट है, ठीक है, 750 रुपया रेट है। एक ही पीस है, एक ही पीस है ना, चेक कर लो, एक ही पीस है, करेक्ट लिख दिया आपने। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, 750 का 750 ही रहेगा टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन SGST CGST कितना होगा, टोटल GST 18% दिया है तो ये रहेगा 9% और ये भी रहेगा 9%। तो कैलकुलेट करो 9% के हिसाब से कितना आता है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर हेडफोन्स, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर हेडफोन्स। तो कितना हो जाएगा हेडफोन्स के लिए, CGST हो या फिर SGST हो, दोनों इक्वल ही रहेंगे, जो कि हो जाएगा 9% किसका दोस्तों, 9% ऑफ किसका, 9% ऑफ दिस वैल्यू जो कि है 750। तो लिख दो यहाँ पे 9/100 इंटू 750 रुपीज। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 × 75 कितना होता है, 9 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 9 75 45, 4 कैरी, 9 7 63 प्लस 4, 63 प्लस 4 होता है 67, तो 675 हो गया और डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 67.5 रुपीज। कितना आ गया, 67.5 रुपीज, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 67.5, ठीक है। इधर भी आ जाएगा 67.5, ये हो गया। टोटल कर लो 67.5 67.5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा पहले 68, ये हो जाएगा 128 प्लस 7 135 हो गया, 135 प्लस 750, 750 प्लस 135 हो जाएगा 885, तो टोटल हो गया 885 रुपया। खत्म, यही आपको करना था, बस यही है आपका टेबल। इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना दिया हम लोग ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। क्या है ये, टैक्स इनवॉइस ब्यूटीफुल, भैया पे भैया, टैक्स इनवॉइस भैया ठीक है, वही मुन्ना भैया का डायलॉग याद आ गया, ठीक है, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो ये भी हमारा GST इनवॉइस जो है ये भी ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एग्जाम में अगर बनाते हो, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छे से निकालना। मेरा मैं जब मूड में रहता हूँ तो अच्छा निकालता हूँ, कभी कभी मूड देखो बहुत लेक्चर्स बनाता हूँ यार, थक जाता हूँ पढ़ा पढ़ा के। आप जानते हो कि यार छठी को भी मैं पढ़ाता हूँ, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बारी, बहुत कभी कभी ना बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन क्या करूँ यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग से जो प्रॉमिस किया वो पूरा करना है। आराम करते बहुत रेयरली करते हैं। और देखो यार, मतलब मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहूँगा, आप सबको दिखता होगा, चैनल पे आप देखोगे तो पूरा वीडियोस भरे पड़े, ठीक है, हर चैनल के लिए। और ये तो दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो 10th का सिलेबस है वो ऑलरेडी एक बार पढ़ा के कंप्लीट कर रखा है हमने, तो आप वहाँ से भी पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ये हो गया। अब सेम दोस्तों, सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा करना है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, सॉरी ये ले लिया, यहाँ पे आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टोटल रुपया जो है वो आपको निकालना है, टोटल निकालना है आपको, ठीक है। तो टोटल रुपीस इसका निकाल लो, टोटल रुपीस, ठीक है। टोटल रुपीस कैसे आ जाएगा, टैक्स का टोटल रुपीस अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो 12 प्लस 67.5 आप देखोगे तो ये हो जाएगा 79.5, ये आ गया। और इसका भी हो जाएगा 79.5, और इसको अगर आप प्लस कर लोगे 224 प्लस 885, तो 224 प्लस 885 कितना होता है, 1109 रुपीस, तो ये आ गया टोटल रुपया। तो इस प्रकार से टोटल रुपया भी आप दिखा सकते हो, मतलब टोटल इनवॉइस, टोटल दिखाना जरूरी है ना, वो हम लोग का रह गया था, भूल गए थे हम लोग, तो टोटल इनवॉइस भी आपका आ गया। तो इसी प्रकार से ये हो गया टोटल इनवॉइस कंप्लीट, हमारा टैक्स इनवॉइस हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, तो हमने ये चीज बता दिया, करेक्ट है। अब इसके जैसा सेम एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, तो जरूर से करना। तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 है ये होता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका एक और कदम आगे बढ़ चुका होगा। और बहुत जल्द हम लोग और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो 4.3 जो एक्सरसाइज है उसके बेसिक चीजें सिखाएंगे, और आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 जो है वो भी एक ही लेक्चर में फटाफट से कंप्लीट करा देंगे। और टेंशन मत लो ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो बहुत छोटा है, फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी पिछले साल भी कराया था, इस साल भी फटाफट से करा के कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।